झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली एनसीआर में आज भी यानी शनिवार के दिन भी भीषण गर्मी से राहत की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि लू चलने की आशंका भी नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाने और गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। इस दौरान उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे उन जगहों पर मौसम सुहाना हो सकता है। रविवार से तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है और तेज हवा चलने का भी अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून तक गर्मी से कोई बड़ी राहत की संभावना नहीं नजर आ रही है। नमी युक्त पूर्वी हवाएं 16 जून से गर्मी से राहत दिला सकती हैं। इससे पहले शुक्रवार के दिन भी दिल्ली में प्रचंड गर्मी का दौर जारी रहा था। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 29.8 डिग्री और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं हवा में नमी का स्तर 16 से 36% तक रहा था। वहीं दिल्ली में आज यानी शनिवार को अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ रहेगा। वहीं गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में 313 दर्ज हुआ है। वहीं नोएडा में 383 जबकि गुरुग्राम में 321 रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।